हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आप देख रहे थे कि हमने स्टार्ट किया था मीटर सेतु, है ना। और मीटर सेतु में हमने ये जान लिया था कि ये बीट स्टोन सेतु पर आधारित है और इसकी सहायता से आप अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करते हैं मीटर सेतु में। मीटर सेतु का डायग्राम वापस बनाऊँ तभी आपको पॉइंट समझ में आएंगे। ये तार होता है ना, यहां इसके नीचे स्केल लगा होगा, यहां एल आकार की एक पट्टी, एक एल आकार की पट्टी यहां रही होगी, एक एक पेच लगा हुआ है, एक पट्टी बीच में होगी, इस पर तीन पेच लगे हुए हैं, धारा प्रवाहित कराने के लिए मैं बैटरी और कुंजी जोड़ दूंगा, प्रथम रिक्त स्थान में मैं प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दूंगा और दूसरे रिक्त स्थान में मैं अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दूंगा और बीच वाले पेज का संबंध धारा मापी से होते हुए कहाँ कर देंगे, जॉकी से। जी ये ए और ये बी, ये लंबाई हम एल मान चुके थे तो ये बची हुई लंबाई 100 माइनस है। ये डायग्राम मैं आपको लास्ट वीडियो में बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब चर्चा को इसी टॉपिक पर आगे बढ़ाते हैं बच्चों, सुनिए ध्यान से। तो जो इसमें फॉर्मूला निकल के आया था एस का, वो आया था 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू में आर। इतना सब मैं इसको पढ़ चुका हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जिनको आपको जाना जरूरी है, सबसे पहली बात चलो सुग्राहिकी कर लेते हैं। क्वेश्चन यह आ जाए कि मीटर सेतु सुग्राही कब होता है। आप याद करो, मैंने आपको सुग्राही का क्वेश्चन बीट स्टोन सेतु में पढ़ाया है कि बीट स्टोन सेतु कब सुग्राही होता है, कब सेंसिटिव माना जाता है। तो आपने बीट स्टोन में कहा था कि जब सभी प्रतिरोध बराबर एक जैसी कोटि के हों, एक ही मान के हों लगभग, तो वो सेंसिटिव यानी कि सुग्राही होता है। उसी चीज को मैं अप्लाई करता हूं मीटर सेतु पर कि मीटर सेतु कब सुग्राही होगा। बिल्कुल वही बात है कि सभी प्रतिरोध समान कोटि के होंगे। अब इसमें सभी प्रतिरोध समान कोटि के कब होंगे, ध्यान से देखना। देखो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध और यहां से यहां तक का प्रतिरोध और यहां से यहां तक का प्रतिरोध। बच्चों ये प्रतिरोध तो लंबाई पर डिपेंड करता है, लंबाई बढ़ने से तो कम बढ़ती होगी। दोनों प्रतिरोध बराबर कब होंगे, जब दोनों लंबाई बराबर होंगी। और दोनों लंबाई बराबर है इसका मतलब है कि जब सुग्राह्यता लगभग काम लेगी बीच में। आप सोचो अगर आपकी सुग्राह्यता 50 सेंटीमीटर के आसपास मिल जाए तो 50 सेंटीमीटर के आसपास ये होगा और ये भी 50 सेंटीमीटर के आसपास होगा, तो दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये बराबर है तो इनको भी बराबर होना होगा। तो बच्चों ये सुग्राही तब होगा जब संतुलन लंबाई लगभग कहां मिले, तार के मध्य में मिले। पहला पॉइंट तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मीटर सेतु सेंसिटिव कब होता है। तो बच्चों इसका आंसर है कि यदि संतुलन लंबाई आपको लगभग तार के बीच में मिल रही है, संतुलन लंबाई अगर आपको लगभग कहां मिल रही है, बिल्कुल बीच में मिल रही है, तो यह क्या होगा बच्चों, सुग्राही माना जाएगा। पहली बात। दूसरा पॉइंट, चलो आप साथ में लिखते रहो, लिखते रहिए, आप हेडिंग डाल दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हेडिंग डाल दो। और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, देखो जब मीटर सेतु में, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के फर्स्ट लिखिए, जब मीटर सेतु में संतुलन लंबाई, जब मीटर सेतु में संतुलन लंबाई लगभग मध्य में प्राप्त हो, लगभग तार के मध्य में प्राप्त हो, इस ढंग से जब मीटर सेतु में संतुलन लंबाई लगभग तार के मध्य में प्राप्त हो, तो जब मीटर सेतु में संतुलन लंबाई लगभग तार के मध्य में प्राप्त हो तो यह सुग्राही होता है, अच्छा मान देने वाला होता है। बच्चों जब यह बैलेंसिंग लेंथ है बिल्कुल बीच में, बीच का मतलब 50 सेंटीमीटर के आसपास होगी,
तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव यानी कि सुग्राही होगा। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया ना कि जब संतुलन लंबाई लगभग तार के मध्य में प्राप्त होती है तो व्हीटस्टोन सेतु सर्वाधिक सुग्राही होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट हम देखें, इसको मीटर सेतु क्यों कहते हैं, उसका जवाब लिखिए आप कि आप इसको इस नाम से क्यों जानते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं, इसका आंसर लिखो। देखो मीटर सेतु में पता ना क्यों कहते हैं, क्योंकि जो तार है उसकी लंबाई कितनी काम मिली है, 1 मीटर, इसीलिए हम इसको मीटर सेतु के नाम से जानेंगे। बच्चों लिखिए मीटर सेतु में, दूसरा पॉइंट लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट में, मीटर सेतु में प्रयुक्त या काम में लिया गया, एक ही बात है, मीटर सेतु में प्रयुक्त तार की लंबाई 1 मीटर होती है। मीटर सेतु में प्रयुक्त तार की लंबाई 1 मीटर होती है, अतः इस उपकरण को मीटर सेतु के नाम से जाना जाता है। मीटर सेतु में प्रयुक्त तार की लंबाई 1 मीटर होती है, अतः इसे मीटर सेतु के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट हमने सुग्राहिता का बनाया कि जब संतुलन लंबाई लगभग मध्य में प्राप्त होगी तो यह सुग्राही होगा। फिर कि मीटर सेतु के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तीसरा पॉइंट समझिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यह कहा था कि मीटर सेतु में जो तार काम में लिया गया है बच्चों, वो तार है मिश्र धातु का। तार किसका बना हुआ है, मिश्र धातु का। कौन सी मिश्र धातु, मैग्नीन यूरेका का। ये जो तार बना हुआ है, ये बना हुआ है मिश्र धातु का। किसका बना हुआ है, मिश्र धातु का। क्यों, ये क्वेश्चन है कि मीटर सेतु में जो तार है वो मिश्र धातु का ही काम में क्यों लिया जाता है। आप समझना ध्यान से, अगर मैं इसकी जगह कोई धातु का तार काम ले लूं, मिश्र धातु काम में ना लेकर अगर मैं धातु का तार काम ले लूं तो क्या होगा, क्यों काम में नहीं लेते हैं। समझिए आप बात को, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, धातु का अगर तार है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, कुछ भी मान लो, चलो एक ओम मान लो कम वैल्यू, और अगर मिश्र धातु का है तो प्रतिरोध ठीक ठाक होगा, 100 ओम मान लो चलो आप इसको। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, दोनों तार काम में लेके देखा मैंने, मैंने एक बार तो जो मीटर सेतु में तार लगा होता है वो धातु का लेके देखा, धातु का प्रतिरोध कम होता है, 1 ओम मान लिया। फिर मैंने मिश्र धातु का लेके देखा, प्रतिरोध ठीक ठाक होता है, मैंने 100 ओम मान लिया। अच्छा, अब आपने कुंजी वुंजी ऑन की, करंट वगैरह फ्लो होने लग गए, काफी देर हो गई बच्चों, आप पेडल करने लगे, आपने कुंजी ऑन कर दी, कुंजी ऑन कर दे, करंट बहने लग गया, 2-3 मिनट के बाद आपने देखा। देखो आप जानते हो कि जब भी तार में धारा बहती है तो तार गर्म हो जाता है, कोई भी तार अपने घर में भी ये बात महसूस करके देखी होगी कि अगर किसी उपकरण को काफी लंबे समय तक चला दिया जाए या उसमें करंट बहुत देर से अगर बह रहा है तो कुछ देर बाद बच्चों वो उपकरण क्या हो जाएगा, गर्म। अच्छा, गर्म हो गया तो ताप बढ़ गया, धारा बही, तार गर्म हो गया, गर्म का मतलब ताप बढ़ गया, और आप जानते हो अगर धातु का ताप बढ़ता है ना बच्चों तो प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। चैप्टर नंबर 5 में बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने, जब भी तार को गर्म करता हूं, ताप बढ़ाता हूं, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि। दोबारा समझाता हूं, मैं क्वेश्चन ये जानना चाह रहा हूं कि जो आपने तार काम में लिया है वो मिश्र धातु का क्यों काम में लिया है, धातु का क्या काम में नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। अगर धातु का है तो उसका वो प्रतिरोध लगभग 1 ओम है, और मिश्र धातु में कितना है, 100 ओम। अच्छा, जब आप धारा बहाओगे तो बच्चों ताप बढ़ेगा, वो गर्म होगा, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि ये वृद्धि हुई 1 ओम की, कुछ भी कम वृद्धि होगी, बहुत ज्यादा वृद्धि तो होगी नहीं, 1 ओम की वृद्धि हुई। अब सोचो 1 ओम है, पहले धातु का प्रतिरोध 1 ओम था और 1 ओम बढ़ गया, अब कितना हो गया वो, 2। हाँ या ना, यहां भी 1 ओम बढ़ा तो अब कितना हुआ, ये 101 ओम। अब सोचना, किसी बच्चे के पास मान लो 1 रुपया है, उसको 1 रुपया और मिल जाए तो उसकी तो लाइफ सेट हो गई, अरे जस्ट डबल हो गया। आप जब कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया तो आपने कैलकुलेशन की 1 के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली में कुछ देर बाद वो 2 के हिसाब से हो रही है। तो बताओ 1
की जगह अगर आप दो पुट करोगे तो आंसर गलत आएगा नहीं आएगा, बहुत बड़ी गलती है बच्चों ये तो। पर अगर आप 100 की जगह 101 भी रख दोगे, गलती तो इसमें भी होगी पर इसकी तुलना में कैसी होगी, कम। तो क्या आप ऊपर वाली वृद्धि को नगण्य मान सकते हैं, जबकि इसको आप नगण्य नहीं मान सकते। इसलिए तार धातु का काम में ना लेकर किसका लिया जाता है, मिश्र धातु का। मैं शॉर्ट में आंसर पाता हूं, आंसर क्या देना, कोई ये पूछे कि भाई जो मीटर सेतु में तार है वो किसका बना हुआ है, तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसको मीटर सेतु को इस नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तार किसका बना हुआ है, मिश्र धातु का बना हुआ है। कौन सी मिश्र धातु का बना हुआ है, मैग्नीन यूरिया कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है मिश्र धातु का, तो आपका आंसर आएगा क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उच्च और प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फा याद है भूल गए, ये होता है निम्न। मिश्र धातु में प्रतिरोधकता तो कैसी है, उच्च, और जो प्रतिरोध बढ़ेगा वो कम बढ़ता है। अब दोनों गुणों के कारण जो प्रतिरोधकता में वृद्धि होगी या प्रतिरोध में वृद्धि होगी उसे क्या मान सकते हो आप, नगण्य। इसलिए तार किस काम में आएगा, मिश्र धातु का काम में आता है। नोट करो पॉइंट नंबर 3, लिखिए इस बात को ढंग से, लिखो मीटर सेतु में प्रयुक्त तार मिश्र धातु का होता है। मीटर सेतु में प्रयुक्त तार मिश्र धातु का होता है। मीटर सेतु में प्रयुक्त तार किसका होता है बच्चों, मिश्र धातु का होता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च तथा प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है। ये मेन स्टैंडर्ड आंसर अंडरलाइन करने की बात को, मीटर सेतु में प्रयुक्त तार मिश्र धातु का होता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च तथा प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है। मीटर सेतु में प्रयुक्त तार मिश्र धातु का होता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है, अतः धारा प्रवाह के दौरान, पूरा आंसर लिखें, मीटर सेतु में प्रयुक्त तार मिश्र धातु का होता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है, जिससे धारा प्रवाह के दौरान ताप वृद्धि के कारण, धारा प्रवाह के दौरान ताप वृद्धि के कारण, धारा बढ़ेगी ताप बढ़ेगा ना उसका, धारा प्रवाह के दौरान ताप वृद्धि के कारण प्रतिरोध में हुई वृद्धि को नगण्य माना जा सके, ऐसे लिख लीजिए, जिससे धारा प्रवाह के दौरान ताप वृद्धि के कारण, धारा प्रवाह के दौरान ताप वृद्धि के कारण प्रतिरोध में हुई वृद्धि को नगण्य माना जा सके। लिख लिया ना आंसर, सुग्राही कब होगा, जब संतुलन लंबाई लगभग बीच में मिलेगी, 50 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगी। तार 1 मीटर लंबा है, इसको मीटर सेतु कहते हैं। तार मिश्र धातु क्यों बना हुआ है, ढंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता तो उच्च होती है, प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है, धारा प्रवाह के दौरान ताप में वृद्धि होने से जो प्रतिरोध में वृद्धि होगी उसे क्या मान सकता हूं मैं, नगण। एक बात हो जो पूछ ले कि तांबे का तार काम में नहीं ले सकते क्या, नहीं ले सकते, इसका उल्टा जवाब देना, क्योंकि तांबे के लिए रो क्या होता है, निम्न, और अल्फा क्या होता है बच्चों, उच्च। तो एक पॉइंट ये भी बना दीजिए आप, पूरा लिखो पॉइंट नंबर 4 लिखो इसमें तांबे का तार प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसमें तांबे का तार प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसमें तांबे का तार प्रयुक्त यानी कि काम में नहीं ले सकते आप, तांबे का तार प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि तांबे के लिए
प्रतिरोधकता निम्न, ये उल्टा आंसर लिख दे, तांबे के लिए प्रतिरोधकता निम्न तथा प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च होता है, तांबे का तार काम में नहीं लिया जा सकता क्योंकि तांबे के लिए प्रतिरोधकता निम्न और प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च होता है। और क्वेश्चन सुनिए, सुनो ध्यान से, अगर आप आरबी में से निकाला गया प्रतिरोध बढ़ाओ, सोचिए ध्यान से, तो संतुलन लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? यहां सपोज 2 ओम था, आरबी में से आपने 2 ओम निकाल रखा था, तो संतुलन लंबाई 30 सेंटीमीटर आई मान लो, उदाहरण के लिए कुछ भी यार। अब आपने इसको 3 ओम कर दिया कि यदि हम आरवी से निकाला गया प्रतिरोध बढ़ाएं तो बच्चों संतुलन लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विचार करिए आप, सोचो देखो। नियम यह कहता है कि इसका अनुपात इन दोनों का अनुपात और यहां से यहां तक का अनुपात बराबर होना चाहिए ना, लिख के दिखाओ ढंग से, ऐसा समझ नहीं आएगा आपको भाई। इस आर और एस का अनुपात इस रो एल और रो 100 - L के बराबर होना चाहिए, ये तो सिस्टम कहता है। अगर आप आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो, एस कांस्टेंट है, एस कैसा है कांस्टेंट, अगर आप आर बी में से निकाला गया प्रतिरोध बढ़ा दो बच्चों, पहला पक्ष बढ़ जाएगा तो बराबर होने के लिए दूसरे पक्ष को भी बढ़ना होगा भाई। अगर आपने आर बढ़ा दिया तो ये बढ़ गया ना ये सिस्टम, तो इसको बढ़ाने का तरीका क्या है कि इसको बढ़ाओ या फिर इसको घटाओ, एक ही बात है। लंबाई कैसे बढ़ेगी, किस पॉइंट को आगे खिसकना होगा तभी तो लंबाई बढ़ेगी और ये पक्ष घटेगा। याद रहे ये बात कि अगर हम आर बी में से निकाला गया प्रतिरोध बढ़ा देना तो संतुलन लंबाई बढ़ेगी, बढ़ेगी रट लो, सामने वाला सामने वाले को देख के काम करेगा, ये घटा तो ये घटा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, और ये बढ़ा इसका मतलब ये घटा। अगर मैं अज्ञात प्रतिरोध बढ़ा दूं ना तो संतुलन लंबाई कम हो जाएगी, ये बढ़ा तो ये बढ़ा और ये बढ़ा तो ये घटा, नोट करो इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, यदि अच्छे पॉइंट है सब, यदि आरवी पूरा लिख लो प्रतिरोध बॉक्स, आरवी मतलब राम बाबू है ना, यदि आरवी से निकाला गया प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, यदि आरवी से निकाला गया प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो यदि आरवी से निकाला गया प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो संतुलन लंबाई बढ़ जाएगी, यह बढ़ गया तो यह बढ़ गया, यदि आरवी से निकाला गया प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो संतुलन लंबाई बढ़ जाएगी, संतुलन लंबाई बढ़ जाए, संतुलन लंबाई है क्या एक्चुअल में, आरवी के सामने की लंबाई, लंबाई बढ़ जाएगी। जबकि अज्ञात प्रतिरोध बढ़ाया जाए, जबकि अज्ञात प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो संतुलन लंबाई घट जाएगी। यदि आरवी से निकाला गया प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो संतुलन लंबाई बढ़ जाएगी, जबकि अज्ञात प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो संतुलन लंबाई कम हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। क्लियर, कोई समस्या किसी को, ठीक है ना भाई। और देखो एक और कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन यह भी कह सकता है कि अगर मैं आर बी और अज्ञात प्रतिरोध को इंटरचेंज कर दूं, अभी पहले स्थान में आर बी है और दूसरे में अज्ञात प्रतिरोध है, अगर मैं अज्ञात प्रतिरोध को तो ले आऊं पहले में, मतलब यहां तो लगा दूं मैं एस, समझना, और यहां लगा दूं मैं आर बी, तो मैंने क्या किया है कि यदि अज्ञात प्रतिरोध और प्रतिरोध बॉक्स को चेंज कर दिया जाए तो संतुलन लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा था बच्चों संतुलन लंबाई तो आर बी के सामने है, तो अब आर बी के सामने लंबाई एल थोड़ी है, कितनी है 100 - L, तो लंबाई 100 - L हो जाएगी। यदि प्रतिरोध बॉक्स
और अज्ञात प्रतिरोध को इंटरचेंज कर दिया जाए आपस में, तो संतुलन लंबाई एल ना रहकर कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। लिखो इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, यदि प्रतिरोध बॉक्स, यदि प्रतिरोध बॉक्स तथा अज्ञात प्रतिरोध को परस्पर बदल दिया जाए, आपस में इंटरचेंज कर दें, यदि प्रतिरोध बॉक्स तथा अज्ञात प्रतिरोध को परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, तो संतुलन लंबाई 100 माइनस एल हो जाएगी, संतुलन लंबाई 100 माइनस एल हो जाएगी, संतुलन लंबाई 100 माइनस एल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, यहां पर नोट कर लो चलो इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट ठीक है, अब एक आध सावधानी भी लिख लो, प्रैक्टिकल डिवाइस है तो आप लिखें मीटर सेतु से संबंधित सावधानियां, मीटर सेतु से संबंधित सावधानियां, मीटर सेतु से संबंधित सावधानियां लिखें। लिखो पहली सावधानी, लिखो सबसे बढ़िया सावधानी तो क्या है भैया, कि ये जो जॉकी है ना, पहली सावधानी बताओ इसको रगड़ना है कि प्यार से खिसकाना है। अगर आप रगड़ो, देखो सारी बातें वो हैं कि इस तार का प्रतिरोध चेंज ना हो जाए, बात यहां है, लंबाई तो फिक्स है, खैर रगड़ के चलाओगे तो बेटा मोटाई चेंज होगी, उससे पता है ना प्रतिरोध चेंज होता है। तो पहली सावधानी तो आप लिखो कि जॉकी को, पहली सावधानी आप लिखिए जॉकी को चालक तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, जॉकी को चालक तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि जॉकी ली और रगड़ दी, ना ना ना, बड़े प्यार से टच कराना है अपने को ना, जॉकी को चालक तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी सावधानी बच्चों देखो, हो गई ना पहली, जॉकी को चालक तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। दूसरी सावधानी क्या है कि ये देखो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गिलैम में घुसे, कुंजी ऑन कर दी, आराम से एक आध घंटा हो गया, फिर पेट निकलने लगे, अबे नालायक जो प्रतिरोध पहले था वो तो कहीं बदल चुका है अब तक, कुंजी केवल कब ऑन करनी चाहिए, जब आप रीडिंग ले रहे हो, रीडिंग ले लिया आपने तुरंत कुंजी क्या कर दीजिए ऑफ, क्योंकि करंट बहुत लंबे समय तक प्रवाहित नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे ये बात। तो लिखो दूसरी सावधानी, लिखो कुंजी, कुंजी केवल पाठ्यांक लेते समय ही ऑन करनी चाहिए, कुंजी केवल पाठ्यांक लेते समय ही ऑन करनी चाहिए, कुंजी केवल पाठ्यांक लेते समय ही ऑन करनी चाहिए, अन्यथा ऑफ रखें, अन्यथा ऑफ रखें। तीसरी प्रेक्षण लेते समय बिल्कुल लंबा देखना चाहिए भाई, तो ऐसे धारा मापी को आप देख रहे हो साइड से देख रहे हो तो हो सकता है जीरो ना हो तब भी आपको जीरो दिखाई दे और आगे दिखाई दे जाए, तो बिल्कुल लंबवत रीडिंग देखते हैं, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर देखना चाहिए ना। तो लिख दो इस बात को, पाठ्यांक लेते समय, पाठ्यांक लेते समय धारा मापी में लंबवत देखना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर, पाठ्यांक लेते समय धारा मापी में लंबवत देखना चाहिए, पाठ्यांक लेते समय धारा मापी में लंबवत देखना चाहिए। पहली सावधानी तो क्या हो गई, जॉकी को रगड़ना नहीं है जोर से, दूसरी कुंजी को टाइम टाइम पे ऑन करना है, तीसरी बिल्कुल लंबवत देखना है, और चौथी ये तो हर एक प्लेसमेंट चलती है,
संयोजन मजबूत होने चाहिए। पता चला कि तार खुले हुए हैं, हम रीडिंग ले रहे हैं, तो जिंदगी में रीडिंग क्या आएगी, क्या संभव ही नहीं है। तो चौथी लिख लो आप, संयोजन मजबूत कसे होने चाहिए, सभी संयोजन मजबूत कसे हुए होने चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा मीटर सेतु पढ़ाया आज हमने, आज की क्लास में इतना ही पर्याप्त है। तो आप लिख लो बोर्ड से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, और बाकी हम देखेंगे अगली क्लास में।